सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इट्स का प्रोडक्शन। एंड इस वीडियो के एपिसोड में हम ऑनलाइन फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। मैं दो वेबसाइट के बारे में आपको बताने वाला हूँ। दोनों वेबसाइट से आप सेपरेटली फोटो एडिट कर सकते हो। जो भी वेबसाइट आपको अच्छा लगे, मीन्स जो भी वेबसाइट यार इजी हो आपके लिए, उस वेबसाइट को आप यूज करना एंड अपने फोटो को एडिट कर सकते हो आप, ठीक है। सो इस वीडियो में मैंने इन दोनों वेबसाइट के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना एंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि वेबसाइट कौन से हैं एंड इसे कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले हमें ओपन कर लेना है गूगल को एंड यहाँ पे सर्च करना है हमें स्लेजर, SLAZZER यार इसका स्पेलिंग है, ठीक है। इसे हमें सर्च कर लेना है एंड सबसे स्टार्टिंग में ये हमारा वेबसाइट आ जाएगा। सो इसमें हमें सिंपली से क्लिक करके एंटर हो जाना है। देन अपलोड इमेज पे हमें सिलेक्ट कर क्लिक करना होगा एंड यहाँ से हम अपने इमेज को यहाँ पे लेके आ जाएंगे। ब्राउजर में जाके यहाँ से मीन्स हमें अपना इमेज को जस्ट सिलेक्ट कर लेना होगा, जो भी इमेज हम यहाँ पे एडिट करने वाले हैं। इमेज जैसे हम इस वेबसाइट में इंटर करेंगे ना, ये वेबसाइट खुद ब खुद उस इमेज का बैकग्राउंड जो होगा वो रिमूव कर देगा, ठीक है। जब बैकग्राउंड हमारा रिमूव हो जाएगा देन उसके बाद जो है हम इसका एडिटिंग कर सकते हैं। सो यहाँ पे जो बैकग्राउंड हमारा रिमूव हो रहा है आप देख सकते हो एंड ये जो बैकग्राउंड रिमूव होके हमें मिलेगा ना, वो काफ़ी अच्छा होगा। मीन्स बैकग्राउंड कम्प्लीटली रिमूव हो चुका होगा, ठीक है। सो देन हमें यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है, देन एडिट प्रीव्यू पे क्लिक करना है एंड अब जाके हम जो है इसको एडिट कर पाएंगे। तो एडिट करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना होगा। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड मिलने वाले, मैं लास्ट वाला यूज कर ले रहा हूँ क्योंकि मुझे ये अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है। देन उसके बाद ऊपर में आपको ब्लर का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, सो ब्लर आपको कर देना है। फर्स्ट वाला चूज करने पे काफ़ी अच्छा लगने लगता है हमारा, ठीक है, फोटो। सो देन आपको यहाँ पे ना एक अपलोड बैकग्राउंड का भी फीचर दिख रहा होगा, जिससे कि आप अपना कोई बैकग्राउंड यहाँ पे ऐड कर सकोगे। सो इस पर हम क्लिक कर लेते हैं एंड अपना बैकग्राउंड हम यहाँ पे ऐड करते हैं, ठीक है। एक मैं ऐड करके दिखा दे रहा हूँ, आप भी इसी तरीके से ऐड कर सकते हो एंड यूज कर सकते हो। तो इस पर क्लिक करते हैं, हमें अपने फाइल में इंटर हो जाना है एंड यहाँ से अपना जो भी इमेज मीन्स जो भी बैकग्राउंड हमें ऐड करना है उसे हम ले आएंगे सर्च करके। तो यहाँ से मैंने ये बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड ऐड भी हो चुका है एंड इसी तरीके से हम यहाँ से बैकग्राउंड ऐड कर सकते हो। तो अगर आपको लगे ना कि हमारा बैकग्राउंड कहीं पे जो है वो अच्छे तरीके से एडिट नहीं हुआ, मीन्स कहीं पे छूट गया, देन आप इसे जूम कर सकते हो एंड उस प्लेस पे आप चले जाओगे। देन उसके बाद आपको यहाँ पे इरेज का एक ऑप्शन दिखने को मिलेगा, इस इरेज एंड पॉइंटर पे क्लिक कर देना है एंड जहाँ पे भी आपका इरेज अच्छे तरीके से नहीं हुआ होगा उसे आपको इरेज कर देना है, ठीक है। तो मैं बस ऐसा ही इरेज कर दे रहा हूँ, मेरा तो पहले से ही अच्छे तरीके से एडिट है, ठीक है, बस इरेज करके मैं आपको दिखा दे रहा। तो मैं इसे अंडू कर दे रहा हूँ एंड हमारा जो ये इमेज है ना वो कम्प्लीटली बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। तो इस वेबसाइट में हम इसी तरीके से जो है वो एडिटिंग कर सकते हैं एंड जब हमारा ये एडिटिंग कम्प्लीट हो जाए देन हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो डाउनलोड पर हम क्लिक कर लेते हैं एंड हमारा ये जो इमेज होगा वो डाउनलोड हो जाएगा, हमारे गैलरी में सेव हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा वेबसाइट नंबर वन जिससे कि हम ये एडिटिंग करने वाले हैं। अगर आपको इससे थोड़ा एडवांस लेवल का वेबसाइट चाहिए देन आप ये सेकेंड वाला वेबसाइट को फॉलो कर सकते हो एंड सेकेंड वाला वेबसाइट है हमारा remove.bg जो कि हमें गूगल में इजिली मिल जाने वाला है। सो हमें सर्च यहाँ पे कर लेना है remove.bg। जैसे ही आप remove.bg सर्च करोगे आप डायरेक्टली वेबसाइट में इंटर हो जाओगे, ठीक है। वेबसाइट में इंटर होते ही आपको यहाँ पे सिंपली सा अपलोड इमेज पे क्लिक करना है एंड अपना इमेज को यहाँ पे अपलोड कर देना, ठीक है। सो ब्राउजर पे हम क्लिक कर लेते हैं एंड अपना इमेज को यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पे भी हमारा इमेज होगा। तो मैं सबसे पहले वो फोल्डर ढूंढ लेता हूँ एंड यहाँ से अपना इमेज को मैं इसमें अपलोड कर दे रहा हूँ, ठीक है। इमेज जैसे ही अपलोड करोगे इसमें भी क्या करेगा कि आपका सबसे पहले बैकग्राउंड रिमूव करेगा, देन ये आपको एडिट करने का कुछ ऑप्शंस देगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बैकग्राउंड हमारा कितना जल्दी रिमूव हो चुका है एंड अच्छे तरीके से हो चुका है, ठीक है। देन आप जो इसे एडिट पे क्लिक करके आप यहाँ पे एडिटिंग कर पाओगे, ठीक है। सो सबसे पहले हमें यहाँ पे एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना होगा। आपको जो भी बैकग्राउंड आपके फोटो पे अच्छा लग रहा हो आप एक एक करके ट्राई करके देख लेना कौन सा अच्छा लग रहा है, उसी को आप चूज करना एंड अपने बैकग्राउंड यूज कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कोई एक सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। इसे सेलेक्ट कर लेने के बाद हमें थोड़ा सा स्क्रॉल अप करना होगा एंड यहाँ पे आपको चार तरीके का ब्लर इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो आपको जो अच्छा लग रहा है मीन्स यूज करके देख लेना कौन सा अच्छा लग रहा है आपके फोटो पे, उसे आप यूज कर सकते हो यहाँ से। एंड इस वेबसाइट में आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड दिए हुए, ठीक है। तो मुझे वो वाला बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा है इसलिए मैं बैकग्राउंड चेंज कर रहा हूँ। कुछ मैं बैकग्राउंड यहाँ पे चेक कर करके देख ले रहा हूँ कौन सा अच्छा लगेगा, उसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा एंड अपना एडिटिंग को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारे हमारे इस वेबसाइट में बैकग्राउंड दिए हुए हैं। देन इसमें एक और फीचर दिया हुआ है जो कि उस वेबसाइट में भी था कि हम जो है वो अपना बैकग्राउंड इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड ऐड करने के लिए इस पर क्लिक करना होगा एंड हमें अपना बैकग्राउंड को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है।
जैसे कि मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया तो एज अ ये बैकग्राउंड हमारे यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। एंड यहाँ पे आपको एक इरेज का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस इरेज पे क्लिक करके ना आप अपना इमेज का कुछ पार्ट्स को इरेज कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरा फ्लावर जो है वो हट जाए, देन मैं यहाँ से इरेज कर ले रहा हूँ, ठीक है। सो इस तरीके से हम यहाँ पे इरेजिंग भी कर सकते हैं एंड इस वेबसाइट में भी हम कुछ इस तरीके से एडिट कर सकते हैं। एंड हमारा एडिटिंग कंप्लीट हो जाने के बाद हमें इसे सिंपली से डाउनलोड कर लेना होगा, डाउनलोड पे क्लिक कर लेना होगा, डाउनलोड इमेज, और ये हमारा जो इमेज होगा वो डाउनलोड हो जाएगा। सो वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।